केस HB बाय डे है, इसमें तीन एक्यूज इन्वॉल्व है, इसमें हम दो लोगों को पकड़े हैं, अनिल कुमार और इच्छापुरम गोपी, ये दोनों भी वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट और श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से हैं। इनके पास 690 ग्राम्स ऑफ गोल्ड और 69 तुलास, दो बाइक रिकवरी हुआ, इसका टोटल वैल्यू है 50 लाख, और चार केसेस का डिटेक्शन हुआ, इसमें सूबेदारी पुलिस स्टेशन में एक, द्वारका पुलिस स्टेशन विशाखापट्टनम, मलकपेट से एक बाइक रिकवरी हुआ और नरसीपट्टनम टाउन से भी एक बाइक रिकवर हुआ। तो ब्रीफ हिस्ट्री है कि मानकोंडा अनिल कुमार ये हैबिचुअल प्रॉपर्टी अफेंडर है, ये 2010 से चोरियाँ कर रहा है और ये 30 केसेस में इन्वॉल्व है, 30 केसेस ऑफ HB नाइट एंड डे। ये दोनों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये चोरी कर रहा है। इसके ऊपर मार्च 2022 में PD एक्ट भी लगाया गया, ताड़ीकालापुड़ी पुलिस स्टेशन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से, और ये राजमंड्री जेल से 26 नवंबर को छूटने के बाद ये चारों केसेस में चोरी करा। तो इसका MO ये है कि पहले ये गाड़ी का टू व्हीलर का चोरी करता है, ये चोरी करके पूरा रिक्की करता है, ये रिच कॉलोनीस में जो बड़े बड़े घर रहते हैं उस वहाँ पर रिक्की करके जो घर खाली है उसमें चोरी करता है। इच्छापुरम गोपी असिस्टेंट से ये होने के बाद कार्तिक के जरिए ये प्रॉपर्टी को डिस्पोज करता है। तो इस पूरे ऑपरेशन में राघवेंद्र इंस्पेक्टर टास्क फोर्स साउथर्न, SIS टास्क फोर्स के नरेंद्र, श्रीशैलम, शेख बुरान, नासिमुरु, साउथर्न टास्क फोर्स स्टाफ और मलकपेट पुलिस वाले इसमें अच्छा काम करें। आज हम सब लोग यहाँ पर ये मीडिया की ब्रीफिंग के लिए इससे आए हैं कि साउथ जोन जो टास्क फोर्स है श्री चक्रवर्ती जी के अंडर में, और ईस्ट जोन का मलकपेट और सुल्तान बाजार का पुलिस, ये सब ने मिलकर दो इम्पोर्टेंट ग्रुप में दो केसेस को सॉल्व किया है, जिसमें ये जो इन्वॉल्वमेंट है ग्रुप का, उसमें एक केस DHB जो दिन में चोरी हुआ है, रात को चोरी हुआ है, वैसे चोरों को पकड़कर यहाँ पर लाया है और उनसे रिकवरी की है। दूसरा केस जो है उसमें तीन लोगों का एक चेन स्नैचिंग का ग्रुप है, उन लोगों को भी इन्होंने पकड़कर उनसे चेन स्नैचिंग और ये मोबाइल स्नैचिंग करते हैं गाड़ी चोरी करके, ऐसे लोगों के जो पहले से भी इन्वॉल्व है उन लोगों को पकड़ा है। तो इसके बारे में जो केस वाइज जानकारी आपको श्री चक्रवर्ती जी फर्दर का जानकारी केस वाइज देंगे।